हरियाणा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। इसका असर अब कार्यकर्ताओं के जोश पर भी पड़ने लगा है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी भी है कि पार्टी में चल रही गुटबाजी के कारण पार्टी ऊपर नहीं उठ पा रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं इस गुटबाजी को खत्म किया जाए ताकि विधानसभा चुनावों में पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सके। मैंने तो ये पहली दफे देखा है। सन 78 से तो मैं एक्टिव हूँ इस कांग्रेस में, पदों पे भी रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि संगठन नहीं है। अब जो संगठन ही नहीं होगा तो हमारी पार्टी कैसे चलेगी? और ये कई दफे इलेक्शन जो हारे हैं, हम तो ये समझते हैं कि ये इसी की वजह है। एक जब तक हमारी गुटबाजी ख़त्म नहीं होगी, जब तक जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए पार लगाना। हमारी कमेटियाँ नहीं बन पा रही, ना जिला स्तर पे कोई हमारी कमेटी है, ना बूथ स्तर पे कोई हमारी कमेटी है। उस कारण से कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं निराशा थोड़ी बहुत है कि ये कमेटियाँ क्यों नहीं बन पा रही। और हमने पहले भी मांग करी और हम आज फिर मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हाईकमान को देखना चाहिए कि क्या कारण है कि बूथ की और जिले की कमेटियाँ नहीं बन रही। अगर कोई नेता इसमें अड़चन बना रहा है तो उसको दरकिनार करके कमेटियाँ जरूर बनानी चाहिए। इससे कार्यकर्ताओं को जब पद मिलता है, कोई जिम्मेवारी मिलती है, तो उनका सम्मान भी बढ़ता है और वो जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं, जिससे पार्टी मजबूत होती है। इतना ही नहीं, गुटबाजी को कम करने के साथ साथ पार्टी में बदलाव की मांग भी जोरों से उठने लगी है। पार्टी के विधायक चाहते हैं कि बदलाव हो, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश और नई ऊर्जा भरी जा सके। कांग्रेस विधायक के मुताबिक पिछले 6 सालों में पार्टी में बदलाव नहीं हुआ, जिस कारण कार्यकर्ताओं का जोश भी ठंडा पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई बदलाव होता है तो नई ऊर्जा आती है, नया जोश बढ़ता है। चुनावों से पहले अगर बदलाव होता है तो अच्छा होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से 6 वर्ष से कार्यकर्ता जो चले आ रहे हैं, अगर उनमें बदलाव बदलाव होगा तो थोड़ा सा उत्साह ज्यादा बढ़ता है। ऐसा नहीं है इस गुटबाजी को लेकर आलाकमान को कोई जानकारी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आलाकमान ने कभी गुटबाजी को खत्म करने की कोई ठोस पहल नहीं की। विनय सिंह, टोटल न्यूज, फरीदाबाद।